हेलो दोस्तों, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक के फ़ायदे के बारे में बताने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिटेक्निक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर 6 महीने में कंप्लीट होता है। और इस जॉब को करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में काम कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो पहला, पॉलिटेक्निक कम समय में कंप्लीट हो जाता है। ये बीटेक और बीई की अपेक्षा कम समय में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बीटेक 4 साल में होता है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसे 10th के बाद करते हैं तो ये 3 साल लगता है। अगर 12th लेटर एंट्री के साथ करते हैं तो ये 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर इंजीनियरिंग कम समय में करना चाहते हैं तो डिप्लोमा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो दूसरा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। तो आप अगर इसको पॉलिटेक्निक को करते हैं तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखना होगा। अब तीसरा फ़ायदा आपको बता दें कि बीटेक की जो फीस होती है वो पॉलिटेक्निक से बहुत ज़्यादा होती है। जो पॉलिटेक्निक की फ़ीस होती है वो बीटेक की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। ये भी एक फ़ायदा आपके लिए होगा। और आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक में सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप बीटेक में सीधा लेटर एंट्री ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बीटेक 3 साल में ही कंप्लीट हो सकता है। पॉलिटेक्निक आप मिनिमम 10th पास करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी होता है। पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आसानी से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बीटेक कि कुछ सब्जेक्ट आप पॉलिटेक्निक में पहले से ही पढ़ चुके होते हैं, जिससे बीटेक करना और आसान हो जाता है। पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर पॉलिटेक्निक। लेकिन आपको इसके लिए पॉलिटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होना ज़रूरी होता है। कुछ दूसरे फायदे आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बहुत से बिजनेस भी कर सकते हैं, और आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे के बारे में बताती हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अगर आप 10th पास कर चुके हैं और पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको कम समय में एक इंजीनियरिंग की डिग्री दे देती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।